नमस्ते नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो आणि प्राध्यापक मित्रांनो आत्ताच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या जे काही समर एक्झाम दोन हजार बावीस होणार आहे तर यांच्यातील क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट काय असणार आहे हा या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट इयर सेकंड इयर आणि थर्ड इयर बी बी ए दोन हजार एकोणावीस क्रेडिट पॅटर्नच्या सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर फिफ्थ आणि सेमिस्टर सिक्सचा आपण फॉर्मॅट बघणार आहोत याच पद्धतीने क्वेश्चन पेपर येऊ शकते जर कदाचित विद्यापीठाचा निर्णय चेंज झाला तर त्या पद्धतीने आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितला जाईल चला तर मग वन बाय वन आपण सुरुवातीला फर्स्ट इयर दॅन सेकंड इयर आणि थर्ड इयरचे आपण सेमिस्टर वाईज काय करणार आहोत सब्जेक्ट वाईज एक्झामचा पॅटर्न बघणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो बघा फर्स्ट इयर बी बी ए दोन हजार एकोणावीस क्रेडिट पॅटर्नला सेमिस्टर सेकंडचे आपण वन बाय वन सब्जेक्ट वाईज पॅटर्न बघणार आहोत बघा पहिला जो काही सब्जेक्ट आहे बिझनेस ऑर्गनायझेशन अँड सिस्टीम याचा सब्जेक्ट कोड टू झिरो वन आहे यामध्ये आपल्याला माहिती आहे तीस मार्क इंटरनल आहे वीस मार्कासाठी प्रॅक्टिकल किंवा प्रोजेक्ट्स आहे आणि पन्नास मार्काची विद्यापीठाची परीक्षा होणार आहे तर यामध्ये क्वेश्चन नंबर वन जो काही असणार आहे हा थोडक्यात ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन असणार आहे म्हणजे यामध्ये तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारले जातील फिल इन दी ब्लँक्स विचारले जातील आणि मॅथ्स दी पेअर्स किंवा अन डिफाईन द टर्म्स या पद्धतीचा प्रश्न असेल यामध्ये एम सी क्यूसाठी तुम्हाला चार मार्क्स आहे इन द ब्लँक्सला तीन मार्क्स आहे आणि डिफाईन द टर्म्स आणि मॅच द पेयर्सला आठ मार्क्स आहे म्हणजे क्वेश्चन नंबर वन हा जो काही असणार आहे तो टोटल तो पंधरा मार्काचा असणार आहे क्वेश्चन नंबर सेकंड ज्यामध्ये तुम्हाला लाँग आन्सर क्वेश्चन्स विचारले जातील यामध्ये टोटल तुम्हाला चार चॅप्टर आहे तर प्रत्येक चॅप्टरवरती एक ब्रॉड क्वेश्चन असेल अशा पद्धतीने टोटल चार ब्रॉड क्वेश्चन दिले जातील त्यापैकी कोणतेही दोन सॉल्व करायचे आहे आणि एका लॉंग आन्सरला दहा मार्क्स आहे असे दोन आन्सरला वीस मार्क्स अशा पद्धतीने क्वेश्चन नंबर सेकंडला ट्वेंटी मार्क्स असणार आहे तर क्वेश्चन नंबर हा, तीन हा शॉर्ट नोट्स असणारे ज्यामध्ये टोटल तुम्हाला पाच शॉर्ट नोट्स येतील त्यापैकी कोणत्याही तीन शॉर्ट नोट्स सॉल्व करायचे आहे एका शॉर्ट नोटसाठी तुम्हाला मार्क्स असणारे पाच तीन सॉल्व केल्यात तर मी ती तुम्हाला फिफ्टीन मार्क्स म्हणजे क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टीन मार्क्स क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्वेंटी मार्क्स आणि क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्टीन मार्क्स असे मिळून टोटल पन्नास मार्क्स तुमच्या पेपर नंबर टू झिरो वन बिझनेस ऑर्गनायझेशन अँड और सिस्टीमला असणार आहे नेक्स्ट चाप्टर आहे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ मार्केटिंग टू झिरो टू याचा क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट कसा असणार आहे तर यामध्ये क्वेश्चन नंबर वन जो काही असणार आहे तो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पाच मार्कासाठी असेल इन द ब्लँक्स पाच मार्कासाठी असेल दिफाईन दी टर्म्स आणि मॅच दि पेयर्स यांना एकत्रित मिळून दहा मार्क्स आहे जे क्वेश्चन नंबर वन हा तुमचा टोटल ट्वेंटी मार्क्सचा असणार आहे त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर तुमचा जो काही सेकंड असणार आहे टू झिरो टूचा तो आहे लाँग आन्सर टाईप क्वेश्चन यांमध्ये टोटल तुम्हाला पाच क्वेश्चन्स दिले जातील त्यापैकी कोणतेही तीन सॉल्व करायचे ईच क्वेश्चन्स हॅव टेन मार्क्स सो टोटल थर्टी मार्क्स And question number four, it is the solve any four short notes out of six. So, given a six short notes, so solving any four short notes. So, here the each short notes have five marks, then totally solve four. So, is equal to 20 marks you have received from question number three. Okay, so the 202 principles of marketing, the total university question pattern is a 17. मार्क्स सेवन झिरो सेवेंटी मार्क्स ओके नाव टू झिरो थ्री द सब्जेक्ट नेम इज द प्रिन्सिपल्स ऑफ फायनान्स सो हिअर द क्वेश्चन नंबर वन इट इज द राईट ट्रुअर फॉल्स फायू मार्क्स क्वेश्चन नंबर वन बी फिलिंग दी ब्लँक्स फायू मार्क्स राईट शॉर्ट नोट्स एनी थ्री ओके सो या शॉर्ट नोट्सला कोणतेही तीन शॉर्ट नोट्स सॉल्व करायच्या त्याला पंधरा मार्क्स असणार आहे टोटल हा जो काही क्वेश्चन पेपर असणार आहे बघा या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आणि सेकंडला टोटल मिळून झाले तुमचे ट्वेंटी फाईव्ह मार्क्स त्याच्यानंतर सॉल्व एनी थ्री क्वेश्चन्स आहे बघा इथं क्वेश्चन नंबर थ्रीपासून तर क्वेश्चन नंबर सेवनपर्यंत कोणतेही तीन सॉल्व करायचे आहेत म्हणजे याचे मार्क्स तुमचे होणार आहे पंधरा त्रिक पंचेचाळीस ओके म्हणजे धरून चला की ईथ चॅप्टरमध्ये एक लॉंग आन्सर क्वेश्चन असणार एक क्वेश्चन असणार आहे पंधरा मार्क्सला आहे कोणतेही तीन सॉल्व करायचे पंधरा त्रिक पंचेचाळीस मार्क्स होतील आणि क्वेश्चन नंबर वन आणि टूला पंचवीस मार्क्स असे टोटल मिळून सेवन्टी मार्क्सचा फॉर्मॅट राहणार आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट सब्जेक्ट आहे टू झिरो फोर बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तर याचा जो काही फॉर्मॅट आहे तर त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर वन दिलेला आहे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन यामध्ये पाच मार्क्स असणारे फिलिंग द ब्लँक्सला पाच मार्क असणारे नंतर डिफाईन द टर्म्स किंवा मॅच दी पेअर्स याला पाच मार्क्स असणारे असे टोटल मिळून क्वेश्चन नंबर वनला पंधरा मार्क्स आहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो काही आहे यामध्ये तुम्हाला शॉर्ट क्वेश्चन्स दिले जातील किंवा ज्याला आपण राईट शॉर्ट नोट्स म्हणूया टोटल पाच दिल्या जातील यापैकी कोणत्याही चार सॉल्व करायच्या टोटल मार्क्स असणारे ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर फोर हा जो काही असणार आहे तर यांमध्ये तुम्हाला कॉस्ट शीटवरती पंधरा मार्काला प्रॉब्लेम आहे दॅन कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग आणि प्रोसेस कॉस्टिंग याला दोघांना प्रत्येकी दहा दहा मार्क्स असणार आहे असे मिळून ट्वेंटी मार्क्स आहे म्हणजेच टू झिरो फोर बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टोटल मार्क्स आहे सेवंटी सेवन झिरो ओके सो सेकंड लास्ट सब्जेक्ट आहे बिझनेस स्टॅटिस्टिक्स टू झिरो फायू या नावाचं सब्जेक्ट आहे यांमध्ये क्वेश्चन पेपरचा जो काही फॉर्मॅट आहे यांमध्ये फिलिन दी ब्लँक्सला पाच मार्क आहे सॉरी दहा मार्क्स आहे नंतर वेदर द स्टेटमेंट ट्रू ऑर फॉल्स यासाठी तुम्हाला सहा मार्क्स आहे असे मिळून टोटल झाले तुमचे सोळा मार्क्स झाले ओके सो दॅन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड अँड क्वेश्चन नंबर फोर सो इट इज अ गिवन अ शॉर्ट नोट्स सॉरी इट इज अ गिवन अ प्रॅक्टिकली ओरिएंटेड प्रॉब्लेम गिवन अ सिक्स प्रॉब्लेम्स सो सॉल्व्ह फोर प्रॉब्लेम्स ओके सो ईच प्रॉब्लेम्स हॅव फोर मार्क्स सो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आणि फोर्थ सो इट इज अ ईच क्वेश्चन्स हॅव अ सिक्स्टीन मार्क्स सो सोळा गुणिले तीन सो अठ्ठेचाळीस होतात ओके सो क्वेश्चन नंबर वनला सोळा क्वेश्चन नंबर सेकंडला सोळा थर्डला सोळा आणि फोर्थला पण सोळा मार्क असणारे म्हणजे सो चौक चौसष्ट मार्क तुमचे इथे झालेले आहेत क्वेश्चन नंबर फिफ्ट इथे तुम्हाला शॉर्ट नोट्स किंवा अटेम एनी वन ऑफ द फॉलोविंग इथे तुम्हाला दोन क्वेश्चन्स दिले जातील किंवा दोन एक्झाम्पल्स दिले जातील ते सॉल्व करायचे so, आहे आणि एकच सॉल्व करायचं त्याला सहा मार्क्स असणार आहे सो टोटल मिळून तुम्हाला सेवन्टी मार्क्सचा हा फॉर्मॅट आहे तर टू झिरो सिक्स फंडामेंटल्स ऑफ कम्प्युटर दिलेला आहे याचा बेसिकली काही असा फॉर्मॅट दिलेला नाही आहे यामध्ये तुम्हाला इंटरनलला तीस मार्क दिलेले आहे प्रॅक्टिकल की प्रोजेक्ट्सला वीस मार्क्स आहे आणि एक्स्टर्नलसाठी फिफ्टी मार्क्स तुम्हाला दाखवलेले आहे सो या पद्धतीने तुम्हाला ट्वेंटी मार्क्ससाठी काही स्किल्स दिलेले आहे या पद्धतीने तुम्हाला सोल्युशन करायचं आहे याचा युनिव्हर्सिटीचा काही सध्या फॉर्मॅट भेटलेला नाही आहे जसा भेटेल तसा तुम्हाला टेलिग्राम ग्रुपला शेअर केला जाईल ओके सो हे झालं एफ वाय बीबीएच्या सेमिस्टर सेकंडचा फॉर्मॅट आता आपण बघूया एस वाय बी बी एच्या सेमिस्टर फोर्थचा फॉर्मॅट ओके विद्यार्थी मित्रांनो बघा आता आपण एस वाय बी बी एच्या सेमिस्टर फोर्थचा आपण एक्झामचा पॅटर्न बघणार आहोत यांमध्ये बघा फोर झिरो वन हा जो काही सब्जेक्ट दिलेला आहे त्याला एन्टरप्रुनरशिप अँड स्मॉल बिझनेस मॅनेजमेंट म्हटलं जातं यांमध्ये टोटल सेवन्टी मार्क्सचा पॅटर्न आहे ज्यामे क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फाइव मार्क्स दैन मैच दी पेयर्स फाइव मार्क्स आंसर इन वन सेंटेंस फाइव मार्क्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर फाइव मार्क्स सो क्वेश्चन नंबर वन इज फॉर ट्वेंटी मार्क्स दैन क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सो हियर गिवन अ फाइव क्वेश्चन सो सॉल्व एनी थ्री आउट ऑफ फाइव क्वेश्चन सो ईच क्वेश्चन्स है टेन मार्क्स सॉल्व एनी थ्री सो इज इक्वल टू थर्टी मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर second and question number third so given a short notes so they can given a six short notes so solve any four out of the six short notes so each short notes have a five marks then multiple by four so is equal to twenty marks so here the question number one 20 marks question number second thirty marks and question number three it is the twenty marks so is equal to seventy marks format for four zero one subject now four zero two here the name of subject it is the production and operation management. Uh, here the question paper format is for 70 marks. So same pattern will be given as per the university. So just like the question number 1 for multiple choice question, match the pairs, answer in one sentence and fill in the blank. So each questions have 5 marks. So is equal to 4. So that's why 20 marks for question number 1. So question number second, it is the given long answer type questions. So here five questions are given. Solve any three. So each questions have ten marks. So that's why thirty marks for question number second. Now question number third, it is for short notes. So here the five short, sorry six short notes is given. Then solve any four short notes. So each short notes have five marks. So it's equal to 20 marks. So question number one 20, question number three 30 marks, and question number three it is the 20 marks. So is equal to 70 marks format for 402. Now here over to 403. That is the decision making and risk management. So in this subject there are also 50, 70 marks. So here same pattern given for 40. 3. We are not explaining because the question number 1 multiple choice question match the pairs answer in one sentence fill in the blank. So there are 20 marks. Question number second, long answer type question 30 marks. Question number 3: Short notes. Solve any four out of six. So given marks 20. So totally 70 marks format. Now the question uh, subject 404: International Business Management. Here the question paper.

Here the marks is only the fifty marks, thirty marks for internal, twenty marks for project, and uh, fifty marks for university exam. So here schedule of fifty marks is equal to question number one multiple choice question. Here the MCQ given for five marks and match the pairs for five marks. So is equal to ten marks for question number one. Question number second long answer questions. So they are given two questions. Solve any one. Each question have ten marks. That is ten marks for question number second. Question number third. So it is also long answer question. Given a to solve any one answer. Okay. So here also ten marks and write a short notes. They are given a six short notes. Solve any four out of the six. Each question have four. Sorry, five marks. Solve any four. So that's why. ट्वेंटी मार्क्स यानी कि क्वेश्चन नंबर वन को टेन मार्क्स क्वेश्चन सेकेंड को टेन मार्क्स क्वेश्चन थर्ड को टेन मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ट्वेंटी मार्क्स ऐसे फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा नाव ओवर टू फोर जीरो सिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट हियर दिस सब्जेक्ट्स हैव द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इट इज फॉर इंटर्नशिप और गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सो हियर द इवोल्यूशन इज टू फिफ्टी फिफ्टी सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाइवा फॉर फिफ्टी मार्क्स एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर फिफ्टी मार्क्स ऐसा यूनिवर्सिटी का फॉर्मैट रहेगा ओके okay, आपको यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट पे वाहिवा देना है इसकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम नहीं होने वाली है ओके सो नेक्स्ट ओवर टू फोर जीरो सिक्स दैट इज ग्रुप नंबर ए सॉरी हियर फिफ्टी मार्क्स गिवन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड फिफ्टी मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओके सो हियर 406 में जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा वो मल्टीपल चॉइस रहेगा पाँच मार्क के लिए मैच दी पेयर्स पाँच मार्क के लिए रहेगा टोटल क्वेश्चन नंबर वन को टेन मार्क्स है क्वेश्चन नंबर सेकंड को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से उसके लिए टेन मार्क्स है क्वेश्चन थर्ड भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा उसके लिए टेन मार्क्स है और क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट नोट्स है छः शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे उसमें से फोर उस सॉल्व करना है उसको ट्वेंटी मार्क्स है सो इज इक्वल टू फिफ्टी मार्क्स का शेड्यूल रहेगा ना सेकेंड नंबर ग्रुप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको फोर ज़ीरो फाइव में जो बिजनेस टैक्सेशन का सब्जेक्ट है उसको टोटली फिफ्टी मार्क्स का यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें से थर्टी मार्क्स इंटरनल है ट्वेंटी मार्क्स प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए है और फिफ्टी मार्क्स का यूनिवर्सिटी का शेड्यूल रहेगा उसमें से क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा उसके लिए पाँच मार्क्स है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो रहेगा उसके लिए आपको सैलरी पर प्रॉब्लम है ओके okay, उसके पंद्रह मार्क्स का सैलरी का प्रॉब्लम आ जाएगा देन हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम उसके लिए टेन मार्क्स है सो पच्चीस मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम है टेन मार्क्स के लिए आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन राइट डाउन करना है जिसमें दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए जाएगी उसमें से एक सॉल्व करना है ईच क्वेश्चन हैव टेन मार्क्स सो क्वेश्चन नंबर फोर को टेन मार्क्स है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉरी जो आगे वाला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा उसको शॉर्ट नोट से आपको चार शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा ईच चैप्टर पे एक शॉर्ट नोट्स यानी कि हर हर एक चैप्टर पे एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगी सो so इसके लिए टोटल टेन मार्क्स से दो सॉल्व करना है सो so इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर वन फॉर फिफ्थ मार्क क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिफ्टीन मार्क्स क्वेश्चन नंबर थर्ड टेन मार्क्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ टेन मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टेन मार्क्स ऐसे फिफ्टी मार्क्स का शेड्यूल आ जाएगा फोर जीरो सिक्स उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के लिए फिफ्टी मार्क्स है और यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो होगा उसके लिए फिफ्टी मार्क्स रहेगा उसका जो शेड्यूल है उसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिफ्थ मार्क के लिए और मैच डिपेयर से ऐसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा टोटल है टेन मार्क्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसके लिए टेन टेन मार्क्स है यानी कि बीस मार्क्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड को मिला के है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मिला के क्वेश्चन नंबर फोर ये शॉर्ट नोट्स होता है उसके लिए ट्वेंटी मार्क्स है टोटल फिफ्टी मार्क्स का शेड्यूल फोर जीरो सिक्स में रहेगा ऐसे ही सी uh, ग्रुप में एच आर एम का शेड्यूल रहेगा उसमें से ही आपको मल्टीपल चॉइस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टेन मार्क्स के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन उसके लिए ट्वेंटी मार्क्स है देन क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट नोट्स है उसके ट्वेंटी मार्क्स है टोटल मिला के कुल मिला के पचास मार्क्स है क्वेश्चन नंबर सॉरी पेपर नंबर फोर ज़ीरो सिक्स एच आर एम का जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए प्रोजेक्ट्स है फोर जीरो सिक्स को पचास मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट्स है और पचास मार्क्स में यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसका भी शेड्यूल क्वेश्चन नंबर वन एम सी क्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा उसके टेन मार्क्स है क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से ट्वेंटी मार्क्स है कुल मिला के और क्वेश्चन नंबर चार को शॉर्ट नोट से ट्वेंटी मार्क्स है यानी कि फिफ्टी मार्क्स का शेड्यूल फोर जीरो सिक्स में रहेगा उसमें से नेक्स्ट जो ग्रुप है उसको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट है इस ग्रुप में ले इस ग्रुप के लिए भी सेम आपको रहेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये ग्रुप है उसमें फोर जीरो फाइव डी में सेम क्वेश्चन का पैटर्न है क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेन मार्क्स क्वेश्चन सेकेंड लॉन्ग और क्वेश्चन थर्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट नोट्स ट्वेंटी मार्क्स फोर ज़ीरो सिक्स में आपको जो रहेगा उसके लिए फिफ्टी मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट और फिफ्टी मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट की सॉरी प्रोजेक्ट के लिए फिफ्टी मार्क्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए फिफ्टी मार्क्स ऐसा आपका शेड्यूल रहेगा सो सेम पैटर्न है बाकी आ, सभी सब्जेक्ट के लिए सो so ये कुछ बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है इस सिलेबस में ये सब आ जाएगा नाउ वी आर ओवर टू टी वाई बी बी ए सेम फिफ्थ और सेम सिक्स की तरह ओके okay, दोस्तों देखिए टी वाई बी बी ए में जो सेमिस्टर फिफ्थ का सब्जेक्ट है फाइव जीरो वन रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें से क्वेश्चन नंबर वन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैच द पेयर्स आंसर इन वन सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स ईच फॉर फिफ्थ मार्क टोटल क्वेश्चन नंबर वन को ट्वेंटी मार्क्स है क्वेश्चन से सॉल्व एनी थ्री आउट ऑफ फाइव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन उसमें पांच बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से तीन के आंसर हमें लिखना है ईच क्वेश्चन हैव टेन मार्क्स सो टोटली थर्टी मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड शॉर्ट नोट्स आएगा उसमें से छः शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे उसमें से चार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो कुल मिला के फोर फाइव ज़ीरो वन को सेवेंटी मार्क्स है नाउ फाइव जीरो टू डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटा माइनिंग ये जो सब्जेक्ट है उसके लिए मार्क्स टोटल रहेगा सेवेंटी मार्क्स इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन नंबर वन रहेगा उसको ट्वेंटी मार्क्स है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहेगा उसके थर्टी मार्क्स है और क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा शॉर्ट नोट्स उसमें ट्वेंटी मार्क्स है सो so, कुल cool मिला के सेवेंटी मार्क्स आपको मिल जाएंगे दैन क्वेश्चन नंबर सॉरी सब्जेक्ट नंबर फाइव जीरो थ्री बिजनेस इथिक्स सो इसमें भी शेड्यूल जो दिया है हमको तो उसमें से क्वेश्चन नंबर वन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है उसको ट्वेंटी मार्क्स है क्वेश्चन नंबर सेकेंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है पास दिए जाएंगे उसमें से तीन सॉल्व करना है उसको थर्टी मार्क्स है और शॉर्ट नोट्स है उसको छः शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे उसमें से चार सॉल्व करना है उसको ट्वेंटी मार्क्स है कुल मिला के सेवेंटी मार्क्स का शेड्यूल रहे फाइव जीरो थ्री को फाइव ज़ीरो फोर मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सब्जेक्ट को आपका यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न रहेगा वो सेवेंटी मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ट्वेंटी uh, मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है टोटल तीन सॉल्व करना है थ्री सॉल्व करना है उसको थर्टी मार्क्स है और क्वेश्चन नंबर थ्री शॉर्ट नोट्स है उसमें चार सॉल्व करना है उसको ट्वेंटी मार्क्स मार्क है टोटल सेवेंटी मार्क्स का शेड्यूल है फाइव जीरो फाइव ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसमें जो दिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में उसमें से जो शेड्यूल हो वो रहेगा थर्टी मार्क्स फॉर इंटरनल ट्वेंटी मार्क्स फॉर मिनी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह हो जाएगा और फिफ्टी मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लेगी उसको फाइव ज़ीरो फाइव में आपको जो शेड्यूल है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिर्फ टेन मार्क्स के लिए आ जाएंगे दैन क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे उसके लिए टेन टेन मार्क्स है और क्वेश्चन नंबर फोर जो आएगा वो शॉर्ट नोट्स है उसको ट्वेंटी मार्क्स सो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को पचास मार्क्स रहेगा फोर्थ जीरो सॉरी फाइव ज़ीरो फाइव जो स्पेशलाइजेशन है उसमें से आपको क्या होगा उसके शेड्यूल हम देखेंगे फिफ्टी मार्क्स फॉर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को है थर्टी मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट एंड ट्वेंटी मार्क्स फॉर वाइवा सो कुल मिला के पचास मार्क्स का शेड्यूल है और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी वो पचास मार्क्स के लिए ले लेंगी ओके okay? सो so, इस हिसाब से आपका शेड्यूल रहने वाला है उसको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपको दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक से शॉर्ट नोट से लॉन्ग क्वेश्चन से प्रॉब्लम ऑफ रेशो एनालिसिस फंड फ्लो प्रॉब्लम्स ऑफ कैश फ्लो सो कुल मिला के आपको जो सब्जेक्ट से उसको जो मार्क्स दे दिया है उसको फिफ्टी मार्क्स रहने वाला है ओके फाइव ज़ीरो फाइव बी को ओके okay. सो so, इसको कुल cool मिला के जो दे दिया है ये शेड्यूल आपको दिखाई देगा उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है उसके एग्जाम भी आ जाएंगे ओके फाइव ज़ीरो फाइव सॉरी फाइव ज़ीरो सिक्स ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहेगा पेपर उसके लिए भी आपका जो शेड्यूल रहेगा वो यहाँ पे दे दिया है उसके भी पचास मार्क्स रहने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर टेन मार्क्स दैन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर टेन मार्क्स दैन क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और सॉल्व एनी फोर आउट ऑफ सिक्स शॉर्ट नोट्स को भी ट्वेंटी मार्क्स से कुल मिला के पचास मार्क्स का शेड्यूल है फाइव ज़ीरो सिक्स को बी ग्रुप में ओके नाउ फाइव ज़ीरो सिक्स का सी ग्रुप है ऐसे ही आपको सब्जेक्ट uh, दिखाई देंगे उसमें लिए फाइव ज़ीरो सिक्स और फाइव ज़ीरो फाइव ऐसा ही सब्जेक्ट का कोर्स दिया है आपको ये शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा नाव वी आर ओवर टू सेमिस्टर नंबर सिक्स को क्योंकि अभी पेपर जो देने वाले बहुत सारे बच्चे वो सिक्स सेमिस्टर के देने वाले हैं उसमें से जो पहला सब्जेक्ट है इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स सो इसका शेड्यूल जो रहेगा आपको यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट दे दिया है उसको टोटल सेवेंटी मार्क्स है क्वेश्चन नंबर वन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर फिफ्थ दैन मैच दी पेयर्स फॉर फिफ्थ आंसर इन वन सेंटेंस फॉर फाइव मार्क्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर फाइव मार्क्स कुल मिला के ट्वेंटी मार्क्स का शेड्यूल है दैन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको तीन पूछे जाएंगे पाँच दिए जाएंगे तीन आपको सॉल्व करना है उसको थर्टी मार्क्स है देन लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व राइट शॉर्ट नोट्स सॉल्व एनी फोर आउट ऑफ सिक्स सो इसको ट्वेंटी मार्क्स है यानी कि सेवेंटी मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा सिक्स जीरो टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिया है उसका भी शेड्यूल सेम है क्वेश्चन नंबर वन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थर्टी मार्क्स क्वेश्चन नंबर थ्री शॉर्ट नोट्स फॉर ट्वेंटी मार्क्स टोटल सेवेंटी मार्क्स रहेगा सिक्स जीरो टू को सिक्स जीरो थ्री है बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सो इसको सेवेंटी मार्क्स का शेड्यूल है क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी दे लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा जाएगा थर्टी मार्क्स के लिए एंड क्वेश्चन नंबर थ्री रहेगा शॉर्ट नोट्स उसको ट्वेंटी मार्क्स है कुल cool मिला के सेवेंटी मार्क्स का शेड्यूल है सिक्स जीरो फोर मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी सो इसको कुल cool मिला के मार्क्स है सेवेंटी इसका शेड्यूल भी सेम दिया है क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन सेकेंड लॉन्ग आंसर थर्टी मार्क्स क्वेश्चन थ्री राइट शॉर्ट नोट्स ट्वेंटी मार्क्स टोटल सेवेंटी मार्क्स रहेगा सिक्स जीरो फाइव ये स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है उसमें से तो जो पहला सब्जेक्ट रहेगा ए ग्रुप में उसको फिफ्टी मार्क्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड थर्टी मार्क्स फॉर इंटरनल एंड ट्वेंटी मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट या छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट वगैरह हम करेंगे तो उसको मिलेगा सो फिफ्टी मार्क्स का शेड्यूल है उन्होंने बताया है कि कंपलसरी uh, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको टेन मार्क्स के लिए आ जाएंगे क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है उसके लिए ट्वेंटी मार्क्स है और क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट नोट्स है उसको ट्वेंटी मार्क्स है सो so, इसको फिफ्टी मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा यूनिवर्सिटी का देन सिक्स जीरो सिक्स ये पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर डिपेंड है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको मालूम है पचास मार्क्स है और इसको भी पचास मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रहेगा सो so, इसको उन्होंने दे दिया है इवेल्यूशन के स्टडी बेस आपको क्वेश्चन आ जाएगा सो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है उसमें से मैं एक ही सब्जेक्ट का भी बताने वाला हूँ वो है फाइनल फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन सिक्स ज़ीरो फोर बी ग्रुप में जो आ जाएगा उसके लिए आपको दिखाई देगा ये देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है सिक्स जीरो फाइव उसमें से uh, जो शेड्यूल रहेगा पचास मार्क्स के लिए उसको हम क्या करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को पाँच मार्क्स से राइट शॉर्ट नोट्स से आपको पाँच शॉर्ट नोट्स दिया जाएंगे उसमें से तीन शॉर्ट नोट्स लिखना है फिफ्टीन मार्क्स से लॉन्ग आंसर ऑप्शन कैन बी गिवन आपको तीन या चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है फिफ्टीन मार्क्स के लिए और प्रॉब्लम ऑन लिवरेज इस पर प्रैक्टिकली ओरिएंटेड प्रॉब्लम आ जाएगा फिफ्टीन मार्क्स के लिए यानि कि क्वेश्चन सेकेंड थर्ड फोर्थ को पंद्रह मार्क्स है पंद्रह तरीक फोर्टी सॉरी फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव मार्क्स रहेगा और क्वेश्चन नंबर वन को फाइव सो इज इक्वल टू फिफ्टी मार्क्स का सिक्स ज़ीरो फाइव बी ग्रुप में आ जाएगा और सिक्स ज़ीरो सिक्स को आपको प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट आपको पचास मार्क्स के लिए है और केस स्टडी के रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम या के स्टडी के लिए प्रोजेक्ट सॉरी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा वो पचास मार्क्स के लिए होगा ओके इसके लिए प्रोजेक्ट भी है आपने किया रहेगा और शायद से सबमिट भी किया रहेगा ओके सो so, ऐसे ही सब्जेक्ट के फॉर्मेट आपको बाकी सब्जेक्ट को मिलेगा अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ आपको इस सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में भी मिलेगी और आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के पेज पर भी मिलेगी ओके सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट अगर कोई क्यूरी मन में हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो टेक केयर जय हिंद ऑल द बेस्ट